दोस्तों मैं रफशान पिरानी और आप देख रहे हैं मुमरा एक्सप्रेस। आप लोग ईद बहुत अच्छी से मनाएं, शांति से मनाएं, कहीं कोई बात कहे इस पर आप ध्यान मत दें और आप लोग बाइक वगैरह पर ध्यान दें वरना आपके हादसा कर देती है। लेकिन आपके घर में आपके वालदेन को तकलीफ उठाना पड़ता है, पूरी तरह आपको मौका मिलता है जिससे आपके वालदेन को तकलीफ हो और किसी भी बातचीत का अफसर को आपके बच्चे का मदद करना पड़े, पीड़ित दर्ज करना पड़े, ऐसा मौका मिलता है आपके वालदेन को। गोवा भी गए, कई जगह टूर भी किया, क्या सोच होती है आपकी अपने वर्कर के साथ में लेके चलने के लिए? मेरी सोच वहां से स्टार्ट होती है कि जो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार है, जो डॉक्टर जितेंद्र वार साहब के नेतृत्व में हमारे बड़े भाई एक्स राज्य मंत्री भाई साहब, हमारे प्रेसिडेंट आनंद प्रांत साहब, हमारे यूथ प्रेसिडेंट शानू प्रधान जी, तो ये जो हमारे लीडर्स हैं उनके नेतृत्व में ये जो संगठन 24 घंटा शहर को लेकर खिपते खल्त करता है, मेरा एक एक साथी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा वरना लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, 372 लोगों की लिस्ट है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये जो हम सब सिपाही हैं डॉक्टर जितेंद्र वार साहब के, इनका जो रोल होता है, जो काम होता है शहर की आवाम की खिदमत के लिए, इनका भाई शहर की तरक्याती कामों को लेकर के हमारे जो नगर सेवक हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके मिनिस्टर साहब के नेतृत्व में 24 घंटा एक्टिव रहते हैं, मैं सबसे पहले अपने तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संगठन को, चाहे वो मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, चाहे वो मेरी पेरेंट बॉडी की पूरी टीम हो, चाहे वो हमारे वार्ड अध्यक्ष हो, चाहे वो हमारे बूथ अध्यक्ष हो, आज इनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है जिसको लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर के जो तरक्याती कामों को लेकर के हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब ने, हाउसिंग मिनिस्टर ने जो काम किया है वो काम शायद मैं बार बार कहता हूं कि महाराष्ट्र में किसी भी एमएलए ने या कहीं भी कोई भी मिनिस्टर ने शायद इतनी तरक्याती काम नहीं किया होगा जो काम हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब ने किया है। और उसकी सराहना मैं अपने साथियों के साथ में करना चाहता हूं। आज मिनिस्टर साहब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह देखिए रमजान का ये पाक महीना चल रहा है, अल्लाह का एहसान है कि आज हम लोग अनकरीब हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला हम लोग ईद उल फित्र तक पहुंचेंगे। मैं आपके माध्यम से तमाम आलिम इस्लाम को एडवांस में ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूं और अपने इन तमाम साथियों को आज जो ये छोटा सा तोहफा दिया गया है, देखिए है बहुत छोटा सा तोहफा है इन बच्चों के लिए, लेकिन तोहफा तोहफा होता है। हमारे नेता की जानिब से आज ये तोहफा जो बच्चों को दिया गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये लोग कबूल फरमाएंगे। और इन्हें मैं कहना चाहता हूं कि आपकी ताकत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब, श्रीदेश्वर भाई साहब के लिए, आनंद प्रादे साहब के लिए, शानू प्रधान जी और हमारे जितने नेता लोग हैं उनके लिए आप एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हो, मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि आपको किसी भी वक्त हमारी जरूरत हो इंशाल्लाह ताला हम लोग जहां पे आप आवाज देंगे हम हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब के नेतृत्व में आपके लिए खड़े होंगे। और ये कहना चाहता हूं कि आने वाले ईद के मौके के अंदर देखिए बहुत शहर में ट्रैफिक हो रही है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक से भी हमको निजात पाना पड़ेगा, लोगों को तकलीफ हो रही है, मैं उसके लिए भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमारे तमाम साथी मिल करके रोड पे खड़े होकर के मिनिस्टर साहब के आदेश अनुसार ट्रैफिक को कंट्रोल भी करवा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ईद उल फित्र के मौके पे भी आप लोग इस तरीके से ईद की नमाज पढ़े और लग जाए अपने वार्ड के अंदर, अपने गली के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, चाहे वो वार्ड की सफाई का मामला हो, चाहे वो कहीं पानी का मसला हो, कहीं पे कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए शहर में, ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। और फिर एक बार ये कहना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रवादी पार्टी का संगठन है उस संगठन को मैं सलूट करता हूँ, उनके कार्यों को सलूट करता हूँ। वरना शमीम खान की मैं भले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक प्रेसिडेंट हूँ लेकिन अगर वो नहीं है तो शायद मैं ये समझता हूँ कि इनके बिना, मेहनत के बिना, इनके सहयोग के मैं अधूरा हूँ। और अगर मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब की ताकत पड़ेगी
तो ये ताकत मैं एक साफ कहना चाहता हूं, जब कभी माइनॉरिटीज के ऊपर कोई आवाज उठाने की बात आई है तो आवाज अगर बुलंद हुई है तो उसका नाम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड है। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने सबसे ज्यादा बुलंद आवाज अगर उठाई है किया है, तो ऐसे नेता के साथ काम करने में हमारा एक अलग इंटरेस्ट होता है, हमारा एक अलग सोच होती है। मैं अल्लाह से दुआ को हूँ इस रमजान के पाक महीने के अंदर कि अल्लाह ताला हमारे नेता को तंदुरुस्ती दे और उससे इस तरीके का काम ले जिस तरीके का काम आज पूरे महाराष्ट्र में वो कर रहे हैं। वो सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बड़े लीडर हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बाकी कुछ नहीं बताऊं। मोहम्मद फजल शेख कौशल ब्लॉक पे हो गए, अभी मुंबई ब्लॉक ले आगे आइए, आप लोग अंदर जाएंगे। प्रवीण सबको बहुत बहुत संगीत की हमारा बात नवीन पवार पहले ब्लॉक अध्यक्ष कर रहा हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण पवार उम्रा के अंदर अभी कागज मिलते जा रहा आपको मालूम पड़ गया बात हो गया ना ना नाम तो नाम और साथ के लोग अध्यक्ष काम कर ब्लॉक अध्यक्ष करूँ कौन से आरिफ खान रात वाली आरिफ मुमरा वार्ड अध्यक्ष आरिफ मेहराज समीर खान इमरान समीर खान मेहराज समीर खान गुट्टू खालू खान कार्याध्यक्ष कार्याध्यक्ष गुट्टू खालू मोहम्मद अली शेख
हेमंत यादव, हेमंत यादव भैया आप दीजिए। चेतन चिखले, चेतन चिखले है आजा परेशी सर। आदित्य भगत, आदित्य भगत आदित्य भाई, गणेश भाई, संदीप सिखवन, अजीज मकबूल सैयद, अजीज मकबूल सैयद है नहीं प्रवीण लोग अबुल कलाम कृष्णा, हाँ अबुल कलाम तहसील वार्ड अध्यक्ष और नेक्स्ट एक किसी का रह गया, एक किसी का रह गया थैली के नाम चेक करो किसी का रह गया। सुन्ना का पूछिए, बहुत सुन्ना का देख रहे हैं, बहुत सुन्ना हुआ अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष बाबू शर्मा धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए बने रहे मुमरा एक्सप्रेस पर, और ऐसी ही बेबाक खबरों को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।